हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। और आज का जो वीडियो है वो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, इंडिया नंबर वन यूट्यूबर जो है वो सौरभ जोशी के बारे में है। आप सभी लोग जानते हैं कि सौरभ जोशी ने 3 साल में बहुत ही अच्छी तरक्की की है और इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर हो गए हैं और आज बहुत सारा यूथ उनको फॉलो करता है। 22 साल की एज में आज उसने अपने आप को बहुत अच्छी जगह लेके गया, बहुत अच्छा मुकाम उसने हासिल किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे YouTube चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस में आप भी देख रहे होंगे कि कंट्रोवर्सी चल रही है कि सर हैं मनोज दे जो, उनके बारे में और सौरभ जोशी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ और वो भी मीडिया जो आज की, क्या सौरभ जोशी घमंडी है? दोस्तों हैं जो दोस्त हैं उसके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और आप सबको पता है कि जो सौरभ जोशी है बहुत ही हम्बल है, उसका बात करने का जो तरीका है और वे ऑफ टॉकिंग जो भी है और ऑडियंस के साथ में कभी भी जो क्रेडिट है वो खुद नहीं लेता, हमेशा अपने जो ऑडियंस हैं, अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको ही देता हमेशा। ऐसा ही अच्छा काम कर रहा है और ऐसा उसने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। ऐसा नहीं कि मनोज दे जो है वो लड़का वो भी बहुत अच्छा है, जोशी का जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों वो इतनी जल्दी सक्सेस हुआ, उस रीज़न क्या है जिसकी वजह से जो सौरभ है इतनी जल्दी सक्सेस हुआ कि विद इन 1 ईयर उसने जो है आप देख सकते हो कि 10 मिलियन अचीव कर लिया, राइट। तो ये सक्सेस का जो राज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस यही चाहता हूँ कि आप जो चैनल लास्ट तक देखिए, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी बात चल रही कि वो घमंडी है, देखो एक चीज़ है कि आज अगर देखा जाए उसका जो है काम करने का जो तरीका बहुत ही अच्छा है, ठीक, बहुत अच्छा कंटेंट देता है और कोई भी जो फैंस हैं उसके बोर नहीं हुए। कंट्रोवर्सी की तो ये तो चलती रहेंगी, कोई भी जीवन में लाइफ में जब कोई आगे बढ़ता है तो हमेशा अच्छाइयां भी देखी जाती हैं और लोग बुराइयां भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग अच्छाइयां देखेंगे, अच्छाइयां देखते हुए जो लोग आगे बढ़ेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कहते हैं जो लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है तो वो हमेशा सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करता है, कि जो भी लाइफ में सक्सेसफुल है उनको फॉलो करता है, ठीक है। और जो लोग सोच रहे कि हम शायद नेगेटिविटी करके या हम नेगेटिव फैला के या कुछ हेट कमेंट्स करके हम शायद आगे बढ़ जाएंगे, तो आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि मनोज दे भी बहुत अच्छा लड़का है, आप देख क्या है। तो ऐसा नहीं, उनकी अच्छी वार्निंग है, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये किसी के भी साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उसने साफ कहा है कि भाई हेट मत फैलाओ, हम अपने काम पे फोकस करेंगे, अपना काम करेंगे, ये हेट फैलाने से तो कुछ नहीं होने वाला है। टेंट लेके आओ, आज वीडियो बनाओ
और आप भी आगे बढ़ सकते हो। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हो, और जैसे आप काम कर रहे हो वैसे आप लोग ग्रो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चार चीज़ें बताना चाहूँगा ज़रूर, जो आप लास्ट तक देखिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सौरभ जोशी का जो ब्लॉग है या सौरभ जोशी जो इतना अच्छा ग्रो हो रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ज़रूर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात है वो कंसिस्टेंसी, यानी कि जो सौरभ जोशी का आपने जो देखा है वो कंसिस्टेंसी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा करना है तो छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट कर दोगे तो आप लाइफ में ज़रूर बढ़ जाओगे। तो वही सौरभ ने किया कि पहले आप 10 दिन ट्राई किया कि कंटिन्यू वीडियो बनाए, फिर 10 से 20 ऐसा उसने उसको नहीं लगा, उसको धीरे धीरे देखा उसने कि कंटिन्यू 100 दिन में 100 वीडियो बना ली उसने, तो उसको लगा क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए। और उसी कंसिस्टेंसी की वजह से आज आप देख सकते हो कि आज वो इंडिया का टॉप ब्लॉगर हो गया है। 99% जो लोग हैं वो इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, यानी कि वो लगातार काम नहीं करते हैं। शायद उन्होंने काम स्टार्ट किया और बीच में गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, राइट। सो वो उसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्वालिटी है जो सौरभ में वो है उसका जो है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, तो उसकी वजह से वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा फ्यूचर में भी ग्रो करेगा। अब तक जो भी वीडियो खुद ही शूट करता है उसका खुद ही एडिटिंग करके वो और इसको डाल अपलोड करता है, तो उसके अंदर एक पैशन है, डेडिकेशन है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है लाइफ में जो आगे बढ़ने के लिए, और ये सौरभ के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये अब मैं बोल सकता हूँ कि ऑनेस्टी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे उसके जो भी न्यू अचीवमेंट होते हैं या जो भी वो अचीव करता है, तो हमेशा उसने जो है क्रेडिट लोगों को दिया है, यानी अपने फैंस को क्रेडिट दिया, अपने सब्सक्राइब। बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो यूथ है वो सौरभ जोशी से बहुत कुछ सीख रहा है, और उन्हीं को देखते हुए बहुत सारे लोग आज ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए, खुद का चैनल बना के काम करना स्टार्ट कर दिए, और बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी इंस्पायर्ड भी होते हैं सौरभ जोशी के काम से। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, और सीख के हम ऐसे काम करेंगे तो और भी हम आगे जा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर पसंद आया हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।